जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम इसमें आपके लिए लेकर आए टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के सैंपल पेपर से रिलेटेड है। परीक्षा तिथि आप देख सकते हैं 30 जनवरी 2023 का ये सैंपल पेपर है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आज आपको इस क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो कि 75 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी। टेट एग्जाम का जो प्री है वो उसको निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये साधारण सा वाक्य है, हम पढ़ चुके हैं, बुक्स में भी हमने पढ़ा है, उसी से लिया गया है। वे सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। तो ये गद्यांश जो है वो आपको इस तरह से देख लेना है, समझ लेना है। पहले आपको जाना है अपने क्वेश्चंस की तरफ, मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है। तो इसका आंसर आपको ऊपर वाली पंक्तियों में ही मिल जाएगा कि मनुष्य किस कार्य में लगा रहता है। मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है वह सदैव अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्षतिपूर्ति, बी इच्छा पूर्ति, सी उद्देश्य पूर्ति या डी खाना पूर्ति। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि मनुष्य जो है वो किस में लगा रहता है, अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, मतलब अपनी इच्छा को पूरा करने में लगा रहता है। सो इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि इच्छाएँ कभी पूरी नहीं हो सकती, एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, इच्छाएं अमर हैं, उनकी पूर्ति संभव नहीं है, किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी कि एक के बाद एक नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। यदि हमारी एक आवश्यकता एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी कई नई इच्छाएँ हमारी जन्म ले लेंगी और फिर हम उसके पीछे भागने लगते हैं। सो इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती क्योंकि एक के बाद नई इच्छाएँ जन्म लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है, क्रोध, मोह, लोभ या संतोष। तो कौन सा जीवन के विनाश का कारण नहीं है, क्या पूछा है इसमें, नहीं नेगेटिव पूछा है, तो वो है संतोष। आप समझ गए होंगे क्रोध भी है, मोह भी है और लोभ भी है। यदि व्यक्ति क्रोध से काम लेगा तो भी वो अपने जीवन का विनाश कर सकता है, क्योंकि क्रोध में कोई भी काम कभी सफल नहीं होते, गलत ही होते हैं। मोह में भी जितना व्यक्ति को मोह होगा किसी चीज़ का वो उसके पीछे भागने लगता है, ना सही ना गलत कुछ नहीं देखता। और लोभ लालच यदि होगा तो भी उसमें अपने जीवन का ही विनाश करना है। तो संतोष एक ऐसी चीज़ है, सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर व्यक्ति अपने आप को संतोषित कर ले, धीरज रखकर, साहस रखकर, सब्र कर ले तो उस चीज़ से वो जीत सकता है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यांश के अनुसार मनुष्य का दुश्मन कौन है, क्रोध, वैराग्य, नैराश्य या लालच। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है व्यक्ति का। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार वह ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं, अपनी राह स्वयं चुनते हैं, जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, या फिर जो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। तो गद्यांश के अनुसार कौन से मनुष्य महान बन सकते हैं जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। इतना तो आप जब गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप उससे रिलेटेड आंसर खुद समझ जाएंगे। तो गद्यांश के अनुसार वे ही मनुष्य महान बन सकते हैं जो प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रह सकते हैं, मतलब हर हाल में सब्र करना, संतुष्टि करना जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति का विलोम शब्द है, वंदन, बंधन, बदन या विधाता। तो मुक्ति का मतलब क्या होता है, मुक्ति का मतलब हो जाता है विलोम बंधन। मुक्ति मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता और बंधन का मतलब बाध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा में एक प्रत्यय लगाने पर बनेगा, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सा क्वेश्चन है कि इच्छा में एक प्रत्यय लगाने पर बनेगा, इच्छिक, ऐच्छिक, इच्छिक या ऐच्छिक। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इच्छा में एक प्रत्यय लगाने पर ऐच्छिक बनेगा। तो एक प्रत्यय जब इसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, ऐच्छिक शब्द बनेगा। प्रत्यय वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे समाज प्लस एक सामाजिक, भूलना प्लस अक्कड़, भुलक्कड़, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुरुष में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो महापुरुष में समास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, महापुरुष में कर्मधारय
समास से कर्मधारय की परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हों अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हों, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हों, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुव्रीय समास की परिभाषा भी देख लीजिए। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे बहुव्रीय समास कहते हैं। और अव्ययी भाव जिसमें पूर्व पद मतलब पहले पद की प्रधानता और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है क्रोध, लोभ, सच्चा या सच। समूह से भिन्न मतलब समूह से अलग, क्रोध है, लोभ है, सच्चा है या सच है। सो राइट आंसर हो जाएगा सच्चा, मतलब सच्चा जो है सिंगल वर्ड है, समूह में नहीं है। सच्चा समूह से भिन्न शब्द है क्योंकि सच्चा विशेषण शब्द है जबकि क्रोध, लोभ तथा सच भाववाचक संज्ञा शब्द है। सो नेक्स्ट को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौ प्रश्न हमारे गद्यांश से पढ़कर हो चुके हैं, अब हमारे आते हैं काव्यांश के प्रश्न। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। काव्यांश है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक लेख ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। प्रश्न नंबर है इसका कविता हमने पढ़ी, कविता में मानव के किस गुण का उल्लेख किया गया है, युद्धशीलता, शक्तिवान, रोशन या मानवीयता। तो किस गुण का उल्लेख किया गया है इसमें, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्या जाएगा इसमें, शक्तिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पानी बन जाता है से तात्पर्य है क्या, पत्थर सचमुच पानी बन जाता है, नहीं। असंभव को संभव करना, पत्थर से पानी निकालना, पत्थर को पिघलाना या असंभव का त्याग करना। तो राइट आंसर आप समझ गए कि पत्थर पानी बन जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पत्थर पानी बन जाता है से तात्पर्य असंभव को भी संभव करना, मतलब अगर व्यक्ति मन में प्रण ले ले कि उसे ऐसा करना है तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के भीतर छिपे गुणों की तुलना किससे की गई है, मेहंदी के पत्तों में छिपी उजियाली से, मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा से, मेहंदी के पत्तों में छिपी हरियाली से या मेहंदी के पत्तों में छिपी ठंडक से। तो मानव के छिपे गुणों की तुलना किससे की गई, ऑप्शन नंबर बी मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा से की गई है। तो मानव के भीतर छिपे गुणों की तुलना मेहंदी के पत्तों में छिपी लालिमा से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर मनुष्य के सामने समस्त बाधाएं हैं प्रखर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, बढ़कर आती हैं, चट्टान बन जाती हैं। जो वीर मनुष्य होते हैं, हिम्मत वाले मनुष्य होते हैं, उनके सामने जो समस्त बाधाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, वे क्या हो जाती हैं, चट्टान बन जाती हैं। शांत हो जाती हैं, चट्टान नहीं बनती, शांत हो जाती हैं। जो वीर मनुष्य हैं उनके समस्त जो बाधाएं हैं वो क्या, शांत हो जाती हैं, क्योंकि वो उनका डटकर सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख प्राप्त करने के लिए बत्ती जन सफर होगी, युद्ध करना होगा, पत्थर उखाड़ने होंगे या कर्मठ होना होगा। तो सुख प्राप्त करने के लिए क्या होगा, कर्मठ होना होगा। उपर्युक्त वाक्यांश के अनुसार सुख प्राप्त करने के लिए कर्मठ होना होगा, मतलब कर्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिका का अर्थ है चक्करदार रास्ता, दिए की बाती, एक देश का नाम या एक शहर का नाम। सो वर्तिका का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक दिए की बाती, वर्तिका का अर्थ दिए की बत्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम जो यंत्र है वो जन्म से ही होता है, ये किसने कहा है, चॉम्स्की, स्किनर, प्याजे या वाइगोट्स्की। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए चॉम्स्की ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं, चॉम्स्की के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है, मतलब विशेष भाषा सीखने का जो यंत्र है वो जन्म से ही होता है। और स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण और पुनर्बलन के परिणाम के रूप में
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में वाक ध्वनियों की संरचना, वाक मतलब भाषा संबंधी, ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है, अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है। मतलब क्वेश्चन समझिए कि वाक ध्वनियों, बोलने की भाषा संबंधी ध्वनियों की संरचना को क्रम नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है, तो अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है। स्वर विज्ञान, अर्थग्राम, वाक्य विन्यास या आकृति विज्ञान। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, स्वर विज्ञान। कक्षा में वाक ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है, अध्यापिका स्वर विज्ञान की बात पर बल दे रही है। और स्वर विज्ञान क्या होता है देख लिए, भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है, वो स्वर विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, ये कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है। भाषा जो है बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का एक ही पहलू है, ये कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है। तो चॉम्स्की, स्किनर, प्याजे या वाइगोट्स्की, तो किससे है ये, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, ऑप्शन नंबर सी। ये कथन सीधे सीधे प्याजे से संबंधित है, उन्होंने ये कथन कहा था बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास को लेकर। तो स्किनर के अनुसार भी देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, अगर हम बच्चे को मोटिवेट करते रहेंगे तो बच्चा सीखने के मार्ग पर अग्रसर होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है। अनुकरण मतलब फॉलो करना, अनुसरण करना, प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल, प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, ड्रिल या प्रतिपुष्टि, या प्रत्यक्ष बोध, ड्रिल, अनुकरण या प्रतिपुष्टि, या फिर प्रत्यक्ष बोध, प्रतिपुष्टि, ड्रिल या अनुकरण। तो कौन सा क्रम सही है कि अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित सही क्रम है, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष बोध होगा, फिर अनुकरण होगा, फिर प्रतिपुष्टि होगी और बाद में होगा ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन यानी कि बोलना किसका प्रकार है, दृश्य इंद्रिय का है, भाषा इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है या स्पर्श इंद्रिय है। तो वाचन क्या है, बोलना किसका प्रकार है, वाचन जो बोलना है भाषा या भाषिक इंद्रिय का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। सार्वभौमिक व्याकरण जो है सभी के लिए, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो किससे संबंधित है, स्किनर, प्याजे, चॉम्स्की या फिर वाइगोट्स्की। तो किससे संबंधित है वो, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा चॉम्स्की से संबंधित है। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का किया है, और सार्वभौमिक व्याकरण का किसने किया है, चॉम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना लें, ध्वनिग्राम और विभिन्न जो संरचना उसकी अच्छी तरह से समझ लें। अध्यापक किससे प्रभावित है, कार्यात्मक उपागम से, संज्ञानात्मक उपागम से, संरचनात्मक उपागम से या कोश विषयक उपागम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक उपागम से, मतलब संरचनात्मक उपागम से अध्यापक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि विभिन्न संरचना, संरचना जहां आ रहा है तो मतलब संरचनात्मक उपागम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ, जूता, दादी, साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं, तो यह किसका उदाहरण है। दो शब्दीय वाक्य मतलब, तो किसका उदाहरण होगा ये, ऑप्शन नंबर ए, दो शब्दीय संक्षिप्त, कूजन, बबलाना या फिर रोना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब बच्चे के हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दीय वाक्यों जैसे माँ, जूता, दादी, साथ, मैं भी आदि वाक्य अभिव्यक्त करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, दो शब्दीय संक्षिप्त वाक्य बनाना वो सीख रहे हैं, उनके हाव भाव में परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये उसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुक्त भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी पहल जो है विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। स्वच्छ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वशिक्षा अभियान या डिजिटल इंडिया कैंपेन।
सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक भारत एक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भारत, सॉरी एक भारत श्रेष्ठ भारत से की पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। और सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया, इसीलिए सर्वशिक्षा अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कूट को बनाने वाला, मतलब संकेत यानी कूट को बनाने वाला एनकोडर है, प्रेषक, संकेत, चैलन यानी धारा या ग्रहणकर्ता। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत को बताने वाला है, मतलब संकेत को कौन बता सकता है, तो वह प्रेषक, संकेत मतलब कूट को बनाने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जीवन मतलब भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न है, मतलब कौन सा मिला हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं भी हम जानते हैं, अनुभूतियां भी है, महसूस भी करता है वो, इमोशंस भी हैं, विचार भी हैं, ओपिनियन, और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, मतलब किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं, तो भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न है, अभिव्यक्ति, सूचनात्मक, अंतक्रियात्मक या फिर संरक्षण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूतियां, विचार हैं और सभी अपने जीवन के अनुभवों को अभिव्यक्त करना भी चाहते हैं और भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, इस स्थिति में भाषा अभिव्यक्ति प्रकार संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, कौन सी ऐसी तकनीक है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशंस को लर्निंग करवाने के लिए, मतलब भाषा उच्चारण को सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, गीत गाना, कविता पाठ, सस्वर पठन या कहानी लिखना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी लिखना, मतलब भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती है कहानी लिखना, क्योंकि भाषा तो हम बोलकर भी सिखाते हैं, उच्चारण करवाते हैं, क्योंकि भाषा प्रोनाउंसिएशन हम कब करवाएंगे, जब बच्चे से बुलवाएंगे, तो कहानी लिखना तकनीक भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती, नेक्स्ट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि बा बा बा, मतलब बड़ा बा, फिर बड़ा बा बोलते हैं, फिर ना 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 ऐसा बोलते हैं, ये किसका उदाहरण है, कजून, बबलाना है, रोना है या गति है। तो जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं तो वो क्या करते हैं, बबलाना, मतलब वो सीख रहे हैं, बोलने की शुरुआत कर रहे हैं। जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं तो ये किसका उदाहरण है, बबलाने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध, उद्दीपन मतलब स्टिमुलस वेरिएशन संबंध का विषय है, जिसे प्रतिरूप, अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है, ये कथन किससे संबंधित है, व्यवहारवादी सिद्धांत से है, प्रकृतिवादी दृष्टिकोण है, संज्ञानात्मक सिद्धांत या रचनात्मक सिद्धांत है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि ये ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी से संबंधित है, क्योंकि उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है, जिसे प्रतिरूप, अभ्यास, अनुकरण करना है और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जा रहा है, मतलब कमाया जा रहा है या ग्रहण किया जा रहा है, तो ये कथन व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित होगा, क्योंकि भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है, जिसे प्रतिरूप, अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है, ये कथन व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, सस्वर पठन, बारीकी से पठन, निष्कर्ष निकालने के लिए पठन या संक्षिप्त रूप का प्रयोग, कौन सी गतिविधि जो पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा कि संक्षिप्त रूप का प्रयोग, पठन में संक्षिप्त रूप के प्रयोग का कोई स्थान नहीं होता, गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। तो ये थी हमारी
30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।